हुक्मरानों ने बिजली और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर आवाम से दो वक्त की रोटी छीन ली। आम मुलाजमत पेशा अफराद की आधी तनख्वाह यूटिलिटी बिल्स की नज़र हो रही है। बुनियादी जरूरियत जिंदगी पहुंच से दूर हो गई। आवाम को खुदकुशी पर मजबूर किया जा रहा है। हुक्मरान अशराफिया को इसका एहसास नहीं हो सकता। इन ख्यालात का इजहार पासवान डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमाओं ने लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरे से खिताब करते हुए किया। इन्होंने कहा कि हुकूमत का काम आवाम को सहूलियत फराहम करना है, जबकि पाकिस्तान के हुक्मरान जीना मुश्किल बना रही है। IMF की आर्मी आवाम पर टैक्सों का बोझ लाद दिया गया है, जिसकी वजह से लोग घर की अशिया बेचने पर मजबूर हो गए हैं, जबकि हुक्मरानों और ब्यूरोक्रेसी को आवाम के टैक्सों से तगड़ी तनख्वाहों के साथ मुफ्त बिजली, पेट्रोल, गैस और दीगर मुराद दी जा रही है। जो जुल्म है, पार्लियामेंट का बोझ कम हो गया, इसके बावजूद आवाम पर यूटिलिटी बिल्स का जालिमाना बोझ समझ से बालातर है। मुजाहिरा में मरकजी वाइस चेयरमैन पासवान डेमोक्रेटिक पार्टी पाकिस्तान खलील अहमद थनत, डायरेक्टर इंसानी हकूक पासवान अब्दुल्ला मंसूर ने खसूसी शिरकत की। इन्होंने मुतालबा किया कि निगरान हुकूमत बिजली, गैस और पेट्रोल के जरिए टैक्स वसूली का जुल्म फौरी तौर बंद करे।